हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बेहद खूबसूरत बूट लेकर आई हूँ। ये बूट देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, बनाने में उतना ही आसान है। स्पेशली ये बूट बिगनर्स के लिए बनाया गया है, जिनसे कम बुनना आता है वो भी इजीली इसको बना सकती हैं। इसको बनाने में 57 ग्राम वूल यूज़ हुई है। ये बूट हमने 9 से 10 नंबर साइज के लिए बनाया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सिलाई कढ़ाई पेंटिंग बुनाई और क्रेशी की वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर कोई डिज़ाइन है जो आप मुझसे बनवाना चाहती हैं तो उसकी फ़ोटो फेसबुक पर शेयर कर सकती हैं। आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 12 नंबर की निडल्स में हमने 37 फंदे बनाए हैं, 37 स्टिचेस। अब हम 11 नंबर की निडल से बुनेंगे, रोवन बुनेंगे। सभी फंदे सीधे बुनने हैं, रोवन, निट ऑल स्टिचेस। सभी फंदों को सीधा बुना, रो वन कंप्लीट बुनी गई है। अब हम रो टू बुनेंगे। रो टू में भी हम फंदों को सीधा बुनेंगे, सभी फंदे सीधे बुनने हैं। इसी तरह रो को कंप्लीट करेंगे, सभी फंदे सीधे बुनेंगे। रो टू हमारी कंप्लीट हो गई है, सभी फंदों को सीधा बुना। हमने 2 सिलाइयां सीधी बुनी हैं, इसी तरह हम आगे की रोज में फंदों को सीधा बुनेंगे। राइट साइड और रॉन्ग साइड, दोनों ही साइड की रो में हमें फंदों को सीधा बुनना है। एक गाठी लाइन बन गई है कंप्लीट, हम 25 गाठी लाइंस बना लेंगे। 25 गाठी लाइंस हमने बना ली हैं। अब हम 12 फंदे बंद करेंगे, उल्टे में 2 का 1 बुनेंगे। अब इस फंदे को फिर से लेफ्ट हैंड की निडल पर रखेंगे और 2 का 1 बुनेंगे। 2 फंदे बंद हो गए हैं हमारे। इसी तरह हम कंप्लीट 12 फंदे बंद करेंगे, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 फंदे बंद किए, एक फंदा इस नीडल में है और 24 फंदे इस नीडल में। कंप्लीट ही हमारे 25 फंदे हैं। अब हम 6 सिलाइयां इस तरह बुनेंगे, रो वन रॉन्ग साइड, सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। 24 फंदे हैं ये, इन्हें उल्टा बुनेंगे। रो वन रॉन्ग साइड, सभी फंदों को उल्टा बुना। अब हम रो टू राइट साइड बुनेंगे, रो टू राइट साइड, सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। रो टू राइट साइड, सभी फंदों को सीधा बुना। रो वन रॉन्ग साइड हमने उल्टी बुनी, रो टू राइट साइड हमने सीधी बुनी। रो थर्ड रॉन्ग साइड, सभी फंदों को सीधा बुनेंगे।
रो फोर्थ राइट साइड, सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। रो फोर्थ राइट साइड, सभी फंदों को सीधा बुना। रो फिफ्थ रॉन्ग साइड, सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। रो फिफ्थ रॉन्ग साइड कंप्लीट बुनी गई है। रो सिक्स राइट साइड, सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। रो सिक्स राइट साइड कंप्लीट बुनी गई है, सभी फंदों को सीधा बुना। हम यही 6 सिलाइयाँ रिपीट करेंगे। रो वन रॉन्ग साइड, सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। उसके बाद 5 सिलाइयाँ रो टू, रो थर्ड, रो फोर्थ, रो फिफ्थ और रो सिक्स, सभी को सीधा बुनेंगे। यही 6 सिलाइयाँ रिपीट करेंगे और 13 गाठी लाइंस बना लेंगे। रो वन रॉन्ग साइड, सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तेरह गाठी लाइंस बना ली हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 गाठी लाइंस के बाद हम एक फली वाली लाइन बनाएंगे, जिस तरह यहाँ पर बनी हुई है। 6 रोज हमने रिपीट की है। रो वन बुनेंगे। रो वन रॉन्ग साइड, सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। रो वन रॉन्ग साइड, सभी फंदों को उल्टा बुना। रो टू राइट साइड, सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। रो टू राइट साइड, सभी फंदों को सीधा बुना। अब हम देखिए यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे, 12 फंदे इंक्रीज करेंगे। बैक लूप से फंदा सीधा बुनेंगे। फंदे को फिर से इस नीडल पर रखेंगे। ये हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया है। 1 रिपीट करेंगे। देखिए इसी फंदे को दोबारा से बुनेंगे सीधा। फंदे को फिर से लेफ्ट हैंड की नीडल पर रखेंगे। 2 दो फंदे इंक्रीज हो गए हैं। देखिए फिर से बुनूंगी मैं, इसी फंदे को सीधा बुनूंगी। फंदे को फिर से निडिल पर स्लिप करेंगे। 3 इसी तरह से 12 फंदे बना लेंगे। फोर फाइव सिक्स बारह फंदे बनाए हैं। टोटल ये 37 फंदे हैं। रो वन बुनेंगे, सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे।
रोवन बना ली है, सभी फंदों को सीधा बुना। देखिए अब हम आगे की सभी रोज सीधी बुनेंगे। सभी फंदों को सीधा बुना, इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। राइट साइड और रॉन्ग साइड सभी रोज में फंदों को सीधा बुनेंगे और 25 गाठी लाइन बना लेंगे। 25 गाठी लाइंस हमने बना ली हैं, 25 गाठी लाइंस। अब हम फंदों को बंद करेंगे। दो फंदों में निडिल डालेंगे, उल्टे में दो का एक बुनेंगे। दो का एक बुनने के बाद फंदे को फिर से लेफ्ट हैंड की निडिल पर स्लिप करेंगे और दो का एक बुनेंगे उल्टे में। देखिए इस फंदे को फिर से लेफ्ट हैंड की निडिल पर रखेंगे और दो का एक बुनेंगे उल्टे में। इसी तरह हम सभी फंदे बंद करेंगे। सभी फंदे बंद हो गए हैं। लास्ट का फंदा बड़ा करेंगे और धागा खींचेंगे। पीस बनकर तैयार है, इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। सिलने के बाद हम यहाँ से सिलेंगे, यहाँ पर एक टाका लगाएंगे। टाका लगाने के बाद ये जो गाठी लाइन्स है इनमें निडिल डालेंगे इस तरह से। अब हम धागा खींचेंगे और टाका लगाएंगे। टाका लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे। यहां पर फूल लगाएंगे। सॉक्स बनकर तैयार है। आई होप आपको सॉक्स बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।